Hello everybody, today we will discuss about the solenoid. Basically solenoid एक तरह का हम artificial magnet बनाते हैं जो कि use करा जाता है बहुत जगह। इसे आप इस तरीके देख सकते हैं, यहाँ आप solenoid देखेंगे। ये जो है एक soft iron core है जिसपे wrap किया है wire, और इसे कनेक्ट करते हैं हम एक बैटरी से जिसके सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड बनता है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन अ सोलेनोइड, इस चीज़ को जो व्रैप किया गया है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं एक वायर की जगह ये पेन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर लपेट दिया जाए वायर तो ये सोलेनोइड कहा जाता है, और अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर हो तो ये ज़्यादा बेटर काम करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, दिस इज अ लेंथ एल, जस्ट लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज अ सिलेंड्रिकल, यू कैन से लाइक आयरन, सॉफ्ट आयरन, एंड हैविंग रेडियस आर, लेंथ इज दिस एल, दिस इज एल एंड रेडियस इज आर। So, if the current I, if this is an I current is flowing through it in the coil, then the magnetic field produced in a coil that will be equal to B is equal to mu naught N I, where mu is the permeability in free space, N is the number of turns per unit length, and I is the current. And suppose the magnetic flux link with each of the turn is given by BA. So B is the magnetic field, A is the area of pi r square. So magnetic flux link with each turn is this much. So magnetic flux linked with the entire solenoid, that is phi, is equal to flux linked with the each of the turn into the number of turns in the solenoid, so that will be mu n I a into n l, that gave mu naught n square I a l. Mu naught is permeability in free space, n is the number of turns per unit area, I is the current, A is the area, L is the length of the solenoid. If capital N is the total number of turns, so small n जो है वो n upon l करेंगे तो per unit length आया, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L is equal to mu naught n square A upon l। और अगर solenoid जो है आपने मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर यानी जिस पर व्रैप करा है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, फिर म्यू नॉट आर एन स्क्वायर एल ए, वेयर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, सो यू कैन से एज एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, विच इज इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, total number of turns directly proportional to area and inversely proportional to L, and directly proportional to permeability, relative permeability यानी कि जो material हमने use किया है उसकी अगर रिलेटिव परमिबिलिटी आप उसे बढ़ा देंगे तो उसकी उस हिसाब से यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता चले जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।